दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और जोहार। चूंकि ये झारखंड है और हमारी झारखंड की परंपरा जोहार शब्दों से ही शुरू होती है। सिखा न सकी जो उम्र भर तमाम किताबें मुझे, करीब से कुछ चेहरे पढ़े और न जाने कितने सबक सीख लिए। तो दोस्तों वीडियो का आखिरी तक बने रहें। थोड़ा कोबरा को दिखलाइए आप, कितना बिग साइज का कोबरा आया हुआ है। कल रात हमने इसे रेस्क्यू किया है। थोड़ा कैमरा को सामने लाइए। तो दोस्तों जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय सभी लोग रास्ते में फिर मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए वीडियो का आखिरी तक आप बने रहें। बहुत ही प्यारा सांप है जिसे हम कोबरा के नाम से जानेंगे। कोबरा एक जानलेवा सांप है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा सांप है सर। ये कोबरा अगर काट ले, ये इंडिया का नंबर वन वेनमस स्नैक कोबरा अगर काट ले तो सीधे हॉस्पिटल, भूल से भी ओझागुनी के चक्कर में ना रहें और नहीं तो मारा जाइएगा। कोबरा एक जानलेवा सांप है। कौन लेवा है? जानलेवा सांप है। बहुत ही प्यारा सांप होता है कोबरा, जिसका उग्र रूप देखने लायक होता है। यही एक ऐसा सांप है जो अक्सर मारा जाता है। ये पीछे हटने वाला सांप नहीं है सर, मरना पसंद है, पीछे की ओर हटना पसंद नहीं, वो कोबरा है। देख रहे हैं इसका उम्र, एक कोबरा का लाइफ 30-40 इयर्स जिंदा रहता है। लेकिन सर घर में घुस जाए तो लोग इसे मार देते हैं 30-40 सेकंड में। सांपों को पर्यावरण में बचे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए आप भी सांप बचाइए, पर्यावरण बचा रहेगा। कोबरा एक जानलेवा सांप है। हिंदी में गेहुअन, बंगला में खरीस और इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा, इंडियन कोबरा और एक साइंटिफिक नेम है जिसे हम नाजा नाजा के नाम से जानते हैं। कौन सा नाम से जानते हैं? नाजा। बहुत ही सुंदर सांप, सांप नहीं, आज देखिए सांप जो है ना वो बिना बीन से नाचेगा। किससे नाचेगा? बिना बीन से। देखिए बिना बीन से ये नाच रहा है। सांपों का कान नहीं होता इसलिए इसे सुनाई भी नहीं पड़ता, और सांपों का आँख है, आँख के अंदर रेटिना नहीं है, इसे दिखलाई भी नहीं पड़ता है। 25% इसे दिखता है, वो भी ब्लैक एंड वाइट, यानी आधा अधूरा इसे दिखलाई देता है। रेडिएशन, वाइब्रेशन, ध्वनि तरंग, वायु तरंग को ये फील कर लेता है, और अगर करीब पहुंच जाए तो ये चूकता भी नहीं है, तुरंत वार। बहुत ही प्यारा सांप है सर ये, सांप नहीं, सांप के नाम से भय है। सांप नहीं, सांप के नाम से लोगों के अंदर भय है, खौफ है, आतंक है। अगर आपका दबाव पड़ जाए, अगर आपका पैर इसके ऊपर पड़ जाए तभी सांप काटता है। इसीलिए खास करके बारिश के मौसम में खुले में शौच ना जाएं। कहाँ ना जाएं? खुले में शौच ना जाएं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब की योजना को हम क्या करते हैं? सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी योजना चलाई है, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो दोस्तों खास करके शौचालय का उपयोग करें और बारिश के मौसम में खुले में ना जाएं, और नहीं तो रेंगते हुए सांप बहुत सारा घूम रहा है बारिश के मौसम में, स्नैक बाइट का खतरा बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? खतरा। ये अपना 20 इयर्स गुजार चुका है, 20 साल पुराना कोबरा। कोबरा नाम से ही डर है, भय है, इसे हम पंचेत पहाड़ी में हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। कहाँ छोड़ देंगे? पंचेत पहाड़ी में। बहुत ही सुंदर है ये,
जब तक ये जांग हिलता रहेगा वो कॉन्सेप्ट में रहेगा, और इधर आ जाए तो इससे ये कॉन्सेप्ट, ये एक उग्र सांप होता है, काफी उग्र होता है, इसका जहर जो होता है न्यूरोटॉक्सिन होता है। इसे हम एक ऐसा जगह छोड़ देंगे, दोबारा ये इंसानी बस्तियों से दूर रहेगा।